मेरा ही वाला iPhone 13 चाहिए ना, नहीं, अभी ले जाओ तुम्हारा वाला। नहीं नहीं तुम अभी ले जाओ, मुझे iPhone 14 Pro चाहिए। इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना, तो इसका एक शूज इनलाइन कर दिया गया है। गाइस कैसे हो आप सब, आई होप सब बढ़िया होगा। मेरा नाम अभिषेक और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब में, आप सभी के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया से कोई चीज मंगाया था, वो हमारे पास आ चुकी है, हमारे पास डिलीवर हो चुकी है। आई थिंक सो एक महीने पहले जब जसविंदर गया हुआ था ऑस्ट्रेलिया, तो मुझे वहाँ पे एक अच्छी सी डील मिली। मैंने कहा चलो परचेस कर लेते हैं। अब वो कौन सी चीज है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। बाय द वे अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो ना, तो स्क्रीन पे लिंक आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है, जाके फटाफट से फॉलो कर लो। जो प्रोडक्ट मैंने ऑस्ट्रेलिया से मंगाया था वो है DJI का माइक, वायरलेस माइक ड्यूल चैनल वाला। इस पे भी एक रिव्यू वीडियो बनाई जाएगी और आप लोगों को बताया जाएगा कि ये वाला माइक मैंने क्यों परचेस किया। इंडिया में ऑलमोस्ट 35,000 के आसपास का आता है, बट ऑस्ट्रेलिया मुझे थोड़ा सा सस्ता पड़ा। वायरलेस माइक मेरे काफी दिन से बकेट लिस्ट में था, बट ये जो माइक है ना ये काफी प्रैक्टिकल है। तो एक काम करते हैं, अभी हम ना जा रहे हैं डिकैथलॉन, क्योंकि अभी अरित्रिक का ना स्केट शूज है, तो ठीक कराना है उसको, रिपेयर कराना है। आजकल उसको नया चस्का चढ़ा है स्केट शूज पहन के स्केटिंग करने का। बड़ौदा में ना गर्मी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। मतलब मैं पिछले 3-4 दिन से वेदर फॉरकास्ट देख रहा हूँ, न्यूज में भी आ रहा है येलो अलर्ट, रेड अलर्ट, पता नहीं क्या क्या अलर्ट, बट बादल लगता है, बारिश वगैरह नहीं होती है और उमस बहुत अजीब सी हुई पड़ी है बड़ौदा के अंदर। और गर्मी टेम्परेचर में बताऊँ तो 40-41 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर चला जा रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी है। बाइक का सीन ये है कि बाइकिंग हो नहीं पा रही है, बाइकें हमारी खड़ी पड़ी हैं और मैं यूजुअली कार लेके कि जहाँ देखो वहाँ निकल जा रहा हूँ, और छोटा मोटा अगर कहीं आना जाना होता है अपनी स्कूटर यूज कर लेता हूँ। मेरा ही वाला iPhone 13 चाहिए ना, अभी ले जाओ तुम्हारा वाला iPhone 13। नहीं नहीं तुम अभी ले जाओ, अभी ले जाओ। मुझे iPhone 14 Pro चाहिए, Pro Max, जो Pro Max जो भी है चाहिए इसको। नहीं आईफोन चाहिए, उसमें 14 प्रो, प्रो मैक्स जो भी आता हो। हाँ प्रो ले लो, 3 कैमरे का है ना। हाँ। तुमको ब्यूटी पार्लर जाना है, ठीक हो? उधर ही जा रहे हैं इसलिए पूछ रहे हैं। नहीं हम तो ठीक है, तुम गड़बड़ा जाती रह रहे। खुद से पैसा खर्च करने के लिए तैयार बैठे हो, ब्यूटी पार्लर जाना है, ये कमाल है मेरे लिए। सन दिख ही नहीं रहा है तो सेट कहाँ प्यारा हो रहा होगा। सन नहीं दिख रहा है तो सेट कैसे होगा, वो सन सेट हो चुका है ऑलरेडी बादल के अंदर। एनी हाउ देखो बाहर बादल कितना अच्छा दिख रहा है अभी, इसमें फोन में कुछ ज्यादा ही अच्छा दिख रहा है यार। वैसे ये है अकोटा ब्रिज, इसके ऊपर पूरा लगा हुआ है सोलर पैनल और रात के टाइम में बहुत अच्छी लाइटनिंग होती है यहाँ पे। और बड़ौदा का कह सकते हो ना ये हैंग आउट प्लेस है, मतलब यहाँ पे सारे लोग आके यहाँ पे हैंग आउट करते हैं, सारे लोग से मतलब समझ ही सकती हो। हमको तो लेके नहीं। तुमको चिड़िया घर लेके जाते थे ना, जानवर हो ना, जानवर को चिड़िया घर लेके जाया जाता है। जाते थे, हम तो खेलते हुए जाते थे। देखो अभी का सीन ये है कि हम जा रहे हैं यहाँ ट्रैक्शन मोटर डम करके जो ट्रैक है बड़ौदा का, वहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे एंड्योरेंस रेस हो रही है, तो कबीर हमारा एक फ्रेंड है, सुबह सुबह मैसेज किया था कि आ जाओ सनी भैया मस्तियाँ किया जाएगा, बट वही है ना हमारे पास तो टाइम रहता नहीं है। वाइफ को सबसे पटाने की कोशिश कर रहे थे कि चली जाओ यार, चली जाओ कहाँ ब्यूटी पार्लर, लेकिन गई नहीं, नहीं गई ना बेटा। जब मानी तब आप ऑफर कैंसिल कर दिए, झूठ मत बोलिए। कभी कभी आप ब्लॉग में भी झूठ बोल देते हो। क्या बात कर रहे हो, पापा झूठ बोलते ब्लॉग में? सब चीज का फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना, कैसा लग रहा है? मजा नहीं आ रहा है ना? यश आपको कैसा लग रहा है? डर गए? सबसे खतरनाक ये वाला भाई चला रहा है, तुम्हारा मन भर गया ना यहाँ पे? अच्छा तो तुम मोटो जीपी कैसे देखोगी यार? वैसे मोटो जीपी इंडिया में आ रहे हैं, मैं जाऊंगा देखने, तुमको जाना हो चाहे मत जाओ, हम और बेटा चलेंगे। क्यों बेटा, मोटो जीपी देखने चला जाएगा ना? आओ चलो गाड़ी में बैठो, अभी निकलते हैं डिकैथलॉन। क्या मेरा केंद्रीय विद्यालय, मेरा केंद्रीय विद्यालय।
मेरा विद्यालय केंद्रीय विद्यालय है ना बेटा, कितना खुश है ये लड़का। हाँ, इसको अभी हम बोले थे कि इसको डिकैथलॉन लेके हम लोग नहीं जा रहे हैं ना। चुप कर जाओ, बैंक जब देखो तब बैंक 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 बैंक, डिकैथलॉन आई हो, बैंक नहीं आई हो तुम। उसी के अंदर थैले के अंदर दे दो अंकल, कर देंगे बेटा। तो इसका एक शूज इनलाइन कर दिया गया है और ये यहाँ आते ही आते ना साइकिल चलाना शुरू कर देता है। गियर चेंज करते ही झटका दे रही है साइकिल। चलाओ अभी अभी प्रैक्टिस करो, अभी तुम्हारे पास जो साइकिल है उस पर पहले प्रैक्टिस कर लो। क्या इरादा है? हाँ, तुम अभी भी खड़े होके दीदी को ज्ञान दे रहे थे तुम कि ऐसे नहीं, उसको थोड़ा वैसे करके ऐसे करना है। वहां तक पहुंच भी नहीं रहा तुमसे। शॉपिंग हो गई लल्ले की? हाँ, किधर गए, किधर? इसको आज बैडमिंटन भी चाहिए था बट इसको पापा ने दिलाया नहीं। नहीं, नाराज क्यों हो रहे हो? गर्मी छुट्टी आने तो दिला देंगे, अभी बहुत गर्मी बेटा, बैडमिंटन खेलोगे हालत खराब हो जाएगी। वैसे बैडमिंटन का दिल तो इस पे, इसको भी आ गया था बैडमिंटन पे, है ना? कौन से वाले पे? 6000 वाले पे आया था। चलो खेलना हो, लाया नहीं से 6000 रुपये का इनको बैडमिंटन चाहिए। घर आ गए हम लोग और इसका ट्रायल देखो शुरू हो गया है। ये वाला ज्यादा अच्छा है, इनलाइन वाला ज्यादा अच्छा है कि पहले जैसे था वो वाला अच्छा था? ये वाला ज्यादा अच्छा है, इसमें तो गिरने का कोई डर ही नहीं है। गिरने का डर नहीं है ना, ये मतलब आगे पीछे नहीं हो रहा ना, अपने हिसाब से जैसे चल चाहो वैसे चला लो, सही है। आज नेक्स्ट डे है, आज दूसरा दिन है और डेली का मेरा यही रूटीन रहता है, सुबह आके वाइफ को बैंक छोड़ता हूँ, उसके बाद अभी क्या है ना कि यश की छुट्टियाँ होने वाली है, गर्मी की छुट्टियाँ होने वाली, तो आज हाफ डे है, तो आज उसको लेने जाना है, आई थिंक 10:30 बजे के आसपास जाना है। मौसम बड़ा सुहाना हुआ पड़ा है, मतलब बूंदाबांदी हो रही है और मैं हूँ अभी सूर सागर लेक के पास। शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति है यहाँ पे, तो यहाँ थोड़ा सा बैठ के नज़ारे लिए जा रहे हैं स्कूटर के ऊपर। बाय द वे अभी मैं HDFC बैंक गया था, हमारे पास ना HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है, मेरे पास जो अकाउंट है ICICI का है, मैं उससे बहुत खुश हूँ, बैठे बैठे सारा काम हो जाता है, वहाँ जाओ बैठो, जो भी प्रॉब्लम आपका ईमेल एड्रेस मोबाइल नंबर जो भी है सारा चीज़ सॉल्व हो जाता है। बट HDFC से मेरे को ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, मतलब सरकारी बैंक से भी ज्यादा बकवास बैंक है मेरे को ये लगा। ये राजमहल ब्रांच है ना, वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। आज जब मैंने फॉर्म दिया तो मैंने बोला अपडेट कर दो मेरा ईमेल एड्रेस, बोल रहे हैं कम से कम सर 15-20 दिन लगेगा। मैंने कहा भाई साहब बहुत तेज सर्विस दे रहे हो आप तो। यानी अभी ना बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है और अब यहाँ से निकलते हैं और यश को लेके स्कूल से आना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो, अब तो तुम लोग की छुट्टी होने वाली है, आज खेल लो खेल लो। मजा आ रहा है बारिश का? हाँ। पापा के साथ ड्राइव करने में, राइड करने में? हाँ। अच्छा स्कूटर पे मजा आता है, कार पे मजा आता है ये बताओ? स्कूटर पे वो भी बारिश में। ये आज स्कूल से आने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्या कह रहे थे नहीं आना आज स्कूल से, खेलते रहना है। हाँ। देखो मेरी ना एक प्रॉब्लम है, उसको आप लोगों को सॉल्व करना है। सॉल्व ये करना है कि देखो अभी क्या है ना कि बड़ौदा में जब से हूँ यहाँ ज्यादा घूमना फिरना हो नहीं पा रहा, तो ब्लॉग्स वगैरह में ज्यादा डाल नहीं पा रहा हूँ चैनल पे, तो मैंने सोचा क्यों ना अब थोड़ी रिव्यू वीडियोस वगैरह डालना शुरू कर दूं, बाइक से रिलेटेड, कार से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो उसी के पर्पस से ना मैंने ये जो नया वाला हमारा माइक है वो परचेस किया है, और अगर आप चाहते हो ऐसी वीडियोस में तो कमेंट करके जरूर से बताओ। और होप करता हूँ आज का ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो वीडियो कर दो लाइक, नए हो हमारे चैनल पर तो कर दो सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपको ऐसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, एंजॉय योर लाइफ, एक ही लाइफ है, बाय बाय।